हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज की जो न्यूज है कि अगर आपके जो असाइनमेंट्स के जो मार्क्स नहीं जोड़े गए थे और बहुत सारे जो विद्यार्थी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स जो कर रहे थे तो उनके जो मूल्यांकन में जिनके जो असाइनमेंट जिन्होंने जमा करवा दिए थे और जिनके मार्क्स नहीं जोड़े गए थे तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से देखिए। तो अब एक जो नया नोटिस है वो आपको मिल गया है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि असाइनमेंट्स के जो आपके मार्क्स हैं वो किस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। तो अब असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है इन्होंने जो अभी आप ये जो देख सकते हैं कि 19 अक्टूबर को मतलब दो दिन पहले का ये जो नोटिस है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एक आदेश जो इन्होंने जारी किया है तो जिसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिनके कार्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है। तो ध्यान ये रहे, अधिकतम अवधि का मतलब है कि जो भी कोर्स होता है, जैसे अगर 2 साल का कोर्स है तो उसको 4 साल का समय दिया हुआ है, जो 3 साल का कोर्स है उसको मतलब लगभग जो समय है वो डबल समय लगभग दिया जाता है। तो उस समय अगर आपकी अवधि शेष है और जो विद्यार्थी जो जून 2020 परीक्षा या दिसंबर 2020 के जो परीक्षा तक या जून 2021 या दिसंबर 2021 में जो जिन्होंने एडमिशन लिया था, ध्यान से देख लें एक बार, यहाँ पे केवल उन्हीं की बात की जा रही है जिन्होंने जून 2020, दिसंबर 2020 या जून 2021 या दिसंबर 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया। अब हुआ ये कि उनके असाइनमेंट्स चालू ही नहीं हुए थे। अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी कि असाइनमेंट जब इनके चालू नहीं हुए तो उनके मार्क्स दिए कैसे, क्योंकि केवल जनवरी 2021 के जो असाइनमेंट थे वो तो ऑनलाइन शुरू कर दिए गए थे, लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट हैं मतलब जनवरी 2021 के अलावा के जो स्टूडेंट थे ना तो उनके मार्क्स अवेलेबल थे और ना ही उससे पहले के और बाद के। तो जून 2020, दिसंबर 2020, जून 2021 और दिसंबर 2021 को अब असाइनमेंट जमा करवाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आपने पहले अगर असाइनमेंट जमा करवा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने असाइनमेंट अगर अभी तक जमा नहीं करवाए हैं तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज आपके लिए। अब आपको करना क्या होगा कि जो भी आपके जो आंतरिक गृह कार्य, क्योंकि न तो आपके स्टूडेंट वन व्यू पर वो असाइनमेंट दिए गए थे और ना ही उसके ऑनलाइन असाइनमेंट अवेलेबल हुए थे, केवल जनवरी 2021 के ही अवेलेबल हो पाए थे। तो अब उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स दिए कैसे जाएंगे, क्योंकि जब असाइनमेंट्स स्टूडेंट वन व्यू पर अपलोड किए नहीं गए, असाइनमेंट्स लोगों ने बना के किसी भी तरीके से कईयों ने तो बाई पोस्ट भेज दिया था लेकिन असाइनमेंट चेक नहीं हो पाए। तो अब उसका जो सॉल्यूशन है इन्होंने देखो किस प्रकार से निकाला है कि वह विद्यार्थी तो जिनके जो परीक्षा में जो मार्क्स आए हैं, मतलब जो मेन एग्जाम में तो आपके एनसी लिखा हुआ आ रहा होगा, तो अब जो आपके जो परीक्षा में जो अंक आएंगे उन अंकों के 1.5 गुना जो अंक होंगे वो आपको आंतरिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, लेकिन पूर्णांक से अधिक नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अब पूर्णांक से अधिक का मतलब है कि भाई एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चले, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे उदाहरण के लिए कोई 80 अंक का कोई पेपर है जिसमें किसी विद्यार्थी को जैसे 80 मतलब जैसे 80 नंबर का कोई पेपर दे के आए, जैसे एमए के अंदर अगर आप कर रहे हो एमए पॉलिटिकल साइंस या कुछ भी एमए कर रहे हो आप, तो उस सब्जेक्ट में आपके जैसे 80 नंबर का कोई पेपर है, 80 नंबर के पेपर में मान लो कि अगर आपके 40 नंबर अगर आते हैं तो उसके 1.5 गुना अंक आ जाएंगे। 1.5 गुना अंक मतलब हो गया लगभग 50%, 50 नंबर हो गए। इसका मतलब आपके असाइनमेंट के अंदर कितने नंबर आ जाएंगे, 15 नंबर, मतलब 20 नंबर का तो असाइनमेंट था ही, तो आए आपके 40, तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा मतलब 15, तो 15 अंक आपके 20 में से दे दिए जाएंगे। अब मान लो किसी के 50 नंबर आ गए तो 50 का 1.5 गुना निकाल लो, मतलब ये एक तरह से अनुपातिक रूप से मतलब 75% अंक दे दिए जाएंगे। मतलब जितने भी अगर आपके अंक आए हैं, अगर आपके 100 नंबर आए होते तो असाइनमेंट में आपके 75 नंबर हो जाएंगे, किसी के अगर 80 नंबर आए हैं तो आपके अनुपातिक रूप से 75% के हिसाब से 15 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपके टोटल कितने को जाएंगे, 40 नंबर तो आपके 80 में से आ गए और बाकी के जो 15 नंबर 20 में से आ गए, तो आपके नंबर कितने हो गए, 55 नंबर। तो ये जो व्यवस्था है जो जुलाई 2021 तक के जिन्होंने एडमिशन लिया है केवल उन्हीं तक के लिए है। तो जनवरी 2022 के बाद में, मतलब अभी तो जनवरी 2022 के एडमिशन चली रहे हैं और नए असाइनमेंट जो जिन्होंने अभी जुलाई 2022 के में एडमिशन लिया, जिनके एडमिशन अभी चालू है 29 तारीख तक, उनके एडमिशन भी अभी मतलब कंटिन्यू चालू है 29 तारीख तक, उनके असाइनमेंट भी अभी आए नहीं है। तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो रह गए थे, जिनके किसी भी प्रकार के असाइनमेंट आपके चालू नहीं हुए थे, तो अब उनको असाइनमेंट के जमा करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे बहुत से स्टूडेंट्स कि हमारे असाइनमेंट्स के जब आए नहीं है तो हम जमा कहाँ से कराएं, क्योंकि ना तो स्टूडेंट वन व्यू पर अवेलेबल है, रीजनल सेंटर पर आप जाते हैं तो वहां से कोई संतुष्टि मतलब पूर्ण जवाब आपको नहीं मिल रहा था,
क्योंकि वहां पे हमेशा ये कह रहा था कि भाई जब आपके असाइनमेंट आपके जल्दी मौका दिया जाएगा, जल्दी मौका दिया जाएगा, लेकिन अब वहां पे अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पर आपको हाँ एक और यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको लगता है कि भाई ये असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं अगर आप इनसे संतुष्ट नहीं हो, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे तो 75% से ज्यादा नंबर आने चाहिए थे, मतलब 20 में से 15 वो कॉमन जो मैंने बताया, अगर आपको अपने कुल मार्क्स के 75% पर अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो इसके लिए फिर आपको ₹200 प्रति प्रश्न पत्र अलग से देना होगा। मतलब कॉपी आपके असाइनमेंट को चेक करवाने के लिए ₹200 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आपको असाइनमेंट भी जमा करवाने पड़ेंगे। तो देखो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा रिस्क लेगा ही नहीं। पहले बात तो देखो कोई भी स्टूडेंट प्रति पेपर असाइनमेंट के ₹200 जमा करवाएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि चलो ठीक है जो भी मिल रहा है 75% नंबर तो मिल ही रहे हैं कम से कम, तो 75% अंक से ही वो संतुष्ट होगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि कोई भी स्टूडेंट रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि ₹200 पर पेपर देगा। किसी के अगर चार पेपर हो गए तो चार पेपर के ₹800 तो अपने असाइनमेंट को चेक करवाने के लग जाएंगे। साथ ही वो जो क्वेश्चन पेपर जो वहां से दिए जाएंगे जो क्षेत्रीय केंद्र से होंगे, और जब उनकी मैन्युअली जब उनकी कॉपी चेक होगी तो जाहिर सी बात है उनको तो मन में डाउट रहेगा क्या पता कम नंबर हो रही थे, कम से कम यहाँ पे 75% तो सिक्योर हो रहा है। लेकिन जब बाई मैन्युअली अगर किसी टीचर से जब चेक कराएंगे तो हो सकता है पता लगे कि वो क्वेश्चन में कुछ कमी निकाल दे, बोल देंगे ये तो आपने कॉपी करके ले आए, हो सकता है कोई कमी निकाल दे कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, हो सकता है कोई बहाना लगा दे कि भाई आपने तो किसी से नकल मार के लिख लिया, हो सकता है आपने तो डुप्लीकेट उतार लिया, कोई कहेगा गूगल से टीप के लिख दिया। तो ये सारी जो समस्याएं रहेंगी ना, इस वजह से ज्यादा बेस्ट रहेगा कि कोई भी ये रिस्क लेगा ही नहीं। तो ज्यादातर बेटर यही है कि अब आपको किसी भी प्रकार के असाइनमेंट जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपने एग्जाम की तैयारी करें और उन एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक अगर आप लेकर आएंगे तो आपके जो कुल मार्क्स होंगे वो असाइनमेंट में भी बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको मिल जाएंगे। तो कुल मार्क्स के 1.5 गुना अंक आपको मिल जाएंगे, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज आपको मिल गई है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप अपनी टेंशन से दूर होकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दें जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और उन मार्क्स के अनुसार ही आपको परीक्षा असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।